हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वन प्लस नोड सी ई नोड 4 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं और कॉलर आईडी को इनेबल करके आप यूज़ करके कैसे अपने फ़ोन में इसका यूज़ कर पाएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं और कर पाएंगे फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स से ओपन हो जाएगा। तो कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं और कर पाएंगे, तो सिंपली देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं, लेकिन आपको बैक करना है। फ़ोन आइकन्स पे जाकर आप थ्री डॉट पे जाते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं, तो कॉलर आईडी ऑप्शन आ जाएगा, जिसको बस इस तरीके से ऑन कर देना है। इससे कॉलर आईडी आपके फ़ोन पे इनेबल हो जाएगा और कॉलर आईडी के जरिए आप इसका यूज़ कर पाएंगे। देखते हैं कि इसका यूज़ करके आप किसी भी स्पैम कॉल्स का पता कर सकते हैं और सस्पेक्टेड कॉल्स भी पता कर पाएंगे। तो इस तरीके से कॉलर आईडी को इनेबल कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।